पार्टी वालों को ना बचाने ना फंसाने का दावा करने वाली पार्टी जेडीयू ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली नीतीश सरकार से आरसीपी सिंह पर जांच बैठा दी है। पार्टी की तरफ से उनको शो कॉज नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस नालंदा जिले के जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष उमेश कुशवा के आरोप पर भेजा गया है, जिसमें जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आरसीपी पर जेडीयू में रहते हुए अकूत संपत्ति जुटाने का आरोप है। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। ऐसी स्थिति में पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसके बारे में कई जानकारी किसी भी स्रोत से आई है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है, अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। सबूत के साथ ये बात सामने आई है कि आरसीपी सिंह और उनके परिवार ने 2013 से अब तक चल अचल संपत्ति बनाई है। कुछ उनकी पत्नी के नाम है तो कुछ दोनों बेटियों के नाम। सबसे खास बात यह है कि इस संपत्ति का ब्यौरा जेडीयू के ही नेताओं ने जुटाया है। जदयू के किसी भी नेता की संपत्ति की जांच करवा लीजिए, पिछले 15-16 वर्षों में सबने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और सबने भ्रष्टाचार के जरिए ही वो संपत्ति इकट्ठा की है। भाई जदयू के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो पोल खुल गई कि किस तरह से अवैध कमाई आरसीपी सिंह ने की है। आरसीपी सिंह के साथ उनकी बेटी की भी संपत्ति की जांच करवाइए और भी चीज़ें खुलेंगी। एक बार कोई हिम्मत करके जरा नीतीश जी की संपत्ति की भी जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब के सब भ्रष्ट हैं। जेडीयू ने जो नोटिस भेजा है उसके अनुसार आरसीपी और उनके घर वालों ने 2013 से अब तक नालंदा जिले के सिर्फ दो प्रखंड अस्थावा और इस्लामपुर में करीब 40 बीघा जमीन खरीदी। पार्टी की बिहार इकाई ने आरसीपी से उनके पिछले कुछ सालों में खरीदे गए 58 प्लॉट्स को लेकर सवाल किए हैं। पार्टी की बिहार इकाई ने इन प्लॉट्स का ब्यौरा देते हुए पूछा कि इसमें कई भूखंड की जानकारी उनके चुनावी हलफनामे में भी नहीं है और ये अकूत संपत्ति अनियमित लगती है। ये तो पहला केस है, कई केस होंगे ऐसे जो आरसीपी सिंह जैसे कई लोग पकड़े जाएंगे अगर डोरा डाला जाएगा तो। भ्रष्टाचार के खिलाफ में ये आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि भ्रष्टाचार था, 15 साल में जंगल राज था, महाजंगल राज था। ये तो महाजंगल का ही सवाल है ना, आरसीपी उनके छाए की तरह रहते थे। आखिर ये पैसे कहाँ से आए? मैं आरसीपी सिंह को उस समय से जानता हूँ, 98 से नज़दीक से जानता हूँ। और कई ऐसे लोग हैं जो अकूत संपत्ति बना कर रखे हैं, तो अब बताइए कि अकूत संपत्ति बनाने वाले दाएं बाएं बैठते हैं। मैंने कहा ये शराबबंदी पर भी, इस पर भी कई ऐसे लोग हैं जो अकूत संपत्ति बनाए हैं और सरकार के इर्द गिर्द बैठते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग अवैध संपत्ति बनाया है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरसीपी सिंह जेडीयू के कोटे से दो बार राज्यसभा गए, जिसके बाद उन्हें केंद्र में इस्पात मंत्री बनाया गया। धीरे धीरे हालात बदलते गए और एक वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह को अपनी ही पार्टी के कूप भाजन का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, इसलिए नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन के इशारे पर संपत्ति के ब्यौरे या कहें कि भ्रष्टाचार के आरोप के लपेटे में आरसीपी सिंह को लिया जा रहा है।